नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेके आया हूँ अगला पार्ट, जिसमें होंगे फिर से 10 क्वेश्चंस, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से डाले थे, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे, बहुत बेनिफिट आप लोगों को हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो भी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले समय में जो भी वीडियो आएंगे वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। मेरे इस चैनल का नाम है इंजीनियर रंजन सर, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इंजीनियर रंजन सर, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और हाँ, लाइक शेयर करना नहीं भूलें, लाइक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकलने के लिए डिजाइन किया गया है? एक रीमर है, उसका कौन सा भाग चिप्स निकलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है फेस, फ्लूट, एडी, कटिंग एज। चार ऑप्शन है। अब इस चार ऑप्शन में से हमें एक सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लूट्स। जब आप देखते हैं रीमर में फ्लूट्स बने होते हैं, मतलब चैनल नुमा रहता है और थोड़ा सा ऊपर में देखिए जो ऊपरी बॉडी रहता है, दोनों के बीच से चैनल टाइप का जो रहेगा उसी में से हमारा जो भी चिप्स होंगे वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? रफ छेद, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है असमान बिंदु का पतला होना। दूसरा ऑप्शन है ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं होना। तीसरा है क्लियरेंस एंगल गलत होना। चौथा है ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होना। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा हमारा इसमें से वही सिलेक्ट करना है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होना। अगर ड्रिल के कटिंग एज जो हैं वो तेज नहीं होंगे तो हमारा जो है ड्रिल किया हुआ होल, जो होल है वो रफ होल की तरह आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ड्रिल किया हुआ अगर होल है, ड्रिल से अगर होल किए गए हैं, उस होल पर फ्लैट सीट जो बनाए जाते हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, तीसरा ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग, चौथा ऑप्शन है काउंटर बोरिंग। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है चिप्स को बाहर निकालने का, दूसरा ऑप्शन है कम वजन कम करने के लिए, तीसरा है लागत कम करने के लिए, चौथा है गति बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा चिप्स को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। ड्रिल में जो फ्लूट्स बने होते हैं उसका काम है चिप्स को बाहर निकालने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन बताया था रीमर का, कि अंदर फ्लूट्स क्यों बने होते हैं। सेम रीमर हो या ड्रिल बिट हो, उसमें जो फ्लूट्स बने होते हैं उसका वही कारण होता है जिससे कि हमारा जो कटिंग चिप्स है वो बाहर निकल सके। तो
तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ड्रिल हो या रीमर हो, अगर फ्लूट्स पूछा जाए, उसके फ्लूट्स का कारण पूछा जाए, उसका क्या उद्देश्य है, तो चिप्स को बाहर निकालने के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ड्रिल के व्यास की तुलना में, ड्रिल की व्यास यानी कि जो उसकी मोटाई गोलाई है उसकी तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है? तो इसका ऑप्शन है, फीड अनुपात अधिक है, शीतलन प्रभावी है, अपर्याप्त क्लियरेंस कोण है, या ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एज की असमान लंबाई है। ये चार ऑप्शन हैं, इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग एज की असमान लंबाई। अगर कटिंग एज जो होगा ड्रिल का, जिससे जिसको जो उसका पॉइंट है कटने वाला, होल करने वाला, उसका अगर कटिंग एज समान लंबाई में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है, यानी कि इसको हम लोग लिस्ट काउंट भी बोलते हैं, लिस्ट काउंट। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.001 mm, चौथा ऑप्शन है 0.002 mm। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 0.01 mm। क्यों? क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है। इसमें भी दो प्रकार के वर्नियर माइक्रोमीटर होते हैं, एक मेट्रिक और एक ब्रिटिश। तो इसमें एक का हमारा क्या है, 0.01 mm सही आंसर होगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में है, सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के ब्लेड होते हैं? सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के ब्लेड होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, 5। अब इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 हमारा इसका सही आंसर होगा, यानी कि सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के ब्लेड होते हैं, तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, स्पिंडल की गति कम करना, दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल की गति बढ़ाना, तीसरा है स्पिंडल को जल्दी बदलना, चौथा है स्पिंडल को जल्दी बदलना। मतलब ये जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, दोनों तो ऑप्शन एक ही है, तो इस दोनों को देख लीजिए। और मेन आपका क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक, स्पिंडल को गति कम करना और स्पिंडल की गति को बढ़ाना। तो हमारा जो है इसी दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, वो होगा हमारा आंसर नंबर ए, यानी कि स्पिंडल की गति को कम करना। 19 नंबर क्वेश्चन, व्यापार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? व्यापार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है परीक्षण चार्ट, दूसरा है लेवलिंग चार्ट, तीसरा है ज्यामितीय चार्ट और चौथा है प्रदर्शन चार्ट। ये चार ऑप्शन हैं। इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है? तो असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है, इसके ऑप्शन है
दो या दो से अधिक भागों की स्थिति, एक साथ घटकों को सुरक्षित करना, और तीसरा है ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करें, चौथा है फिट की दक्षता बढ़ाएं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है, जब असेंबली करते हैं उस टाइम डोवेल का उपयोग पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक भावों की सटीक स्थिति। तो आज भी हो गया 10 क्वेश्चन तैयार आपके लिए, और पिछली बार पार्ट वन में मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, फिर आज 10 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए तैयार कर दिया हूँ। और आप लोग जो लोग भी किसी क्वेश्चन से अगर डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर अगर डाउट है या कुछ भी डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख करके डालें, और जिस तरह का क्वेश्चन, जिस तरह का वीडियो आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि अगले वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो डिमांड है उसको हम तैयार करें। साथ ही आप लोग जो भी मेरे इस चैनल को अगर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ई आर रंजन सर को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ, बाय।